बात पंजुम स्कॉलरशिप महाराष्ट्र के इल्मे रियाजी के आज के वीडियो में आपका खैर मकदम करता हूँ। वीडियो मुकम्मल देखने के बाद में इसके डिस्क्रिप्शन में एक टेस्ट की लिंक दी गई है जो वीडियो के मौजू पर मुनसर है, आप उसे ज़रूर हल कीजिए। याद रहे कि जब आप वीडियो पूरा देखेंगे तभी आपके मैक्सिमम जवाब सही आएंगे। चलिए देखते हैं इल्मे रियाजी का आज का हमारा मौजू क्या है। आज का हमारा मौजू है तफरीक। जहन नशीन कीजिए, चार नुकात है जो आपको जहन नशीन रखना है। नुकता नंबर एक, दिए हुए इदाद के हिंसों को मुकाम के लिहाज से एक के नीचे एक लिखिए। जो इदाद दिए गए हैं उनके हिंसों को मुकाम के लिहाज से एक के नीचे एक लिखना है, यानी इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, सैकड़े के नीचे सैकड़ा। अक्सर बच्चे मुकाम लिखने में गड़बड़ करते हैं और जवाब गलत आ जाता है, जबकि आपको तफरीक आती है। नुकता नंबर दो, हमेशा बड़े अदद में से छोटा अदद तफरीक करें। तफरीक करते वक्त हमेशा बड़े अदद में से छोटा अदद ही तफरीक होगा। नुकता नंबर तीन, तफरीक करते वक्त पहले इकाई की फिर दहाई की इस तरतीब से तफरीक करें। तफरीक करते वक्त हमारी जो सीक्वेंस रहेंगी उसमें पहले इकाई रहेंगी, इकाई से इकाई तफरीक होंगी, फिर दहाई से दहाई तफरीक होंगी, इस तरतीब में हम चलेंगे। नुकता नंबर चार, हासिल का यानी उधार की तफरीक तवज्जो से कीजिए। जो हासिल का है यानी हासिल का जमा के अमल में होता है, लेकिन हमारे तफरीक के अमल में हम उधार कहते हैं उसे, तो उसकी जो तफरीक है उसे तवज्जो से कीजिए। चलिए कुछ मिसालें देखते हैं। मिसाल नंबर एक है, ये अदद नफी, ये अदद बराबर, ये अदद हो तो, ये निशान आता है, निशान ज़रब, ये निशान बराबर कितना। देखिए यहाँ पे थोड़ा सा सवाल पे गौर करेंगे आप तो हमें ये जो अदद है ये बड़ा अदद है, ये बड़े अदद में से इस अदद को तफरीक करना है तो जवाब ये आएगा। हमारे पास ऑलरेडी जवाब पता है, हमें सवाल मालूम करना है। तो यहाँ देखिए दो जो अलामतें हैं ये दोनों एक जैसी है, यानी यहाँ पे एक जो नंबर रहेगा वो मसावी रहेगा, मसावी अदद आएगा यहाँ पर, और ये स्टार जो है यहाँ पर भी मसावी अदद आएगा, यानी अगर एक है तो यहाँ पे एक एक रहेगा, अगर यहाँ पे चार है तो यहाँ पे चार चार रहेगा। तो ऐसे सवाल में हम क्या करेंगे, हम जो बड़ा अदद है, देखिए ये बड़ा अदद है, इसमें से जो भी जवाब है वो जाहिर सी बात है छोटा रहेगा, उसे तफरीक करेंगे हम। देखिए वजाहत में, बड़ा अदद इसमें से हम क्या करेंगे, इस बड़े अदद में से ये छोटा अदद है इसे तफरीक करेंगे ताकि हमें ये जवाब मिल जाए, फिर हम आगे का सवाल हल कर पाएंगे। देखिए उसकी इकाई लिखो आपको समझाने के लिए, इकाई दहाई सैकड़ा हजार दस हजार लाख दस लाख, बड़ा जो अदद था इसे यहाँ लिख लिए 9900541। देखिए 9900541, ठीक है। अब इसके नीचे हम इस अदद को लिखेंगे 5563314, 5563314 आ गया, ठीक है। अब इनकी तफरीक कर लेते हैं, यहाँ पे एक में से चार तफरीक नहीं होता तो हम क्या करते हैं उधार लेते हैं बाजू में से, यहाँ पे चार है ये इसको उधार देंगे तो यहाँ पे 11 हो जाएंगे, यहाँ पे 3 बचेंगे, और जवाब पूरा इस तरह आएंगे। देखिए 3 3 4 4 2 2 7, 3 3 4 4 2 2 7, देखिए 3 3 ऑलरेडी यहाँ पर है, यहाँ पे जो दायरे बने हुए हैं यहाँ पे 4 4 रहेगा, स्टार के जगह पर 2 2 रहेगा और 7 तो यहाँ पर ऑलरेडी है। देखिए मैं उसके नीचे लिखता हूँ, आप अच्छे से समझ रहे हैं इसको कि ये किस तरह जवाब हमें हासिल हुआ है। अब यहाँ पे 4 4 है, 2 2 है, हो तो क्या था, ये दायरा ज़रब स्टार बराबर कितना, दायरा कितना है 4 और स्टार कितना है 2, यानी 4 ज़रब 2। देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं, ये यहाँ पे हमें पूछा गया था कि ये दायरा ज़रब स्टार बराबर कितना, यहाँ पे दायरा क्या आया 4 आया और स्टार क्या आया 2 आया, यानी 4 ज़रब 2, 4 ज़रब 2 बराबर 8, 4 2 8 हमारे ऑप्शन में है, जी हाँ ऑप्शन नंबर 3, इसे हम फिल कर लेंगे, ये हमारा करेक्ट आंसर है। देखिए इस सवाल को चाहे तो आप रिपीट करके देखिए, इस तरह के सवाल स्कॉलरशिप में ज़रूर पूछे जाते हैं और हम कन्फ्यूज होते हैं। इस वक्त में क्या करेंगे, हम बड़े अदद में से डायरेक्ट जो जवाब दिया गया है उसे तफरीक करेंगे ताकि हमें ये मिल जाए, और ये मिलेगा ही मिलेगा, डेफिनेटली मिलेगा। ये मिलने के बाद में फिर आगे के सवाल इस तरतीब में आप हल कर सकते हैं। देखेंगे अगली मिसाल, 8 9 5 2 9 में से कौन सा अदद तफरीक करेंगे तो जवाब 110009 आएगा। ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे, ऐसे वक्त में हम क्या करेंगे, ऑप्शन का इस्तेमाल नहीं करेंगे, डायरेक्ट इसमें से इसको तफरीक कर देंगे तो हमें यहाँ पे जो भी है सही जवाब यहाँ मिल जाएगा हमें। देखिए वजाहत में उसकी, देखिए ये जो अदद है इसमें से हम डायरेक्ट इस अदद को तफरीक करेंगे, इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार। देखिए मैंने यहाँ लिखा हूँ, ये आपके समझने के लिए लिखा हूँ, यहाँ पे इकाई दहाई सैकड़ा हज़ार दस हज़ार और लाख, इकाई दहाई सैकड़ा दस हज़ार इस तरह हम लिखेंगे यहाँ पे। देखिए 8 9 5 2 9, एक के नीचे एक आगे बराबर, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई। अब दूसरा अदद लिखेंगे हम 11 वाला, इसे भी यहाँ लिख लिए। देखिए यहाँ भी बराबर, इकाई के नीचे इकाई, दहाई के नीचे दहाई, यह सिक्वेंस आना ज़रूरी है ताकि हमारी तफरीक गलत ना हो। इनकी तफरीक करेंगे तो 9 में से 9 गया 0, 2 में से 2 0, 0 गया तो 2। देखिए इस तरह जवाब ये आ जाएगा 279520। अब देखिए ऑप्शन में कहा है 279520, पहला ही ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर एक यहाँ भी मिल गया हमें, यानी हमने क्या किए,
ये जो बड़ा दर्द था इसमें छोटा दर्द तफीक कर दिए और हमें जवाब मिल गया। हालांकि थोड़ा सा घुमाया गया था इसके अंदर, लेकिन हमने हमारी चालाकी की, ये बड़ा दर्द में से छोटा दर्द तफीक करें ताकि हम सही जवाब तक पहुंच सके, और हमारा सही जवाब है ऑप्शन नंबर एक, उसे हम फिल करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, सबसे छोटे 6 हिंसी अदद में से कितना तफरीक करने पर 5 हिंसी सबसे बड़ा अदद हासिल होगा। सबसे छोटा 6 हिंसी अदद, ये हमें पता होना चाहिए। मैं हर वीडियो के अंदर इस तरह के सवाल आते हैं, मैं रिपीट करता हूँ। सबसे छोटा यानी 10 वाले अदद सबसे छोटे होते हैं, 10 यानी 10, 10 सबसे छोटा 2 हिंसी अदद है, और सबसे छोटा कितना कहा गया अभी 6 हिंसी, यानी 1000000, 5 times 0 एक के आगे 5 0 लगा देंगे तो हो जाएंगे सबसे छोटा 6 हिंसी अदद। देखिए यहाँ लिख लेते हैं हम उसके, सबसे छोटा 6 हिंसी अदद 10000, 5 times 0, ठीक है। अब कितना तफरीक करने पर 5 हिंसी सबसे बड़ा अदद आएगा, तो हम क्या करेंगे, डायरेक्ट एक एक तफरीक करते नहीं बैठेंगे इसमें से, हम डायरेक्ट 5 हिंसी सबसे बड़ा अदद तफरीक करेंगे तो हमें यहाँ से कोई ना कोई ऑप्शन मिल जाएगा और वो करेक्ट रहेगा। देखिए सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद कौन सा है, सबसे बड़ा अदद 9 है, 1 हिंसी, 2 हिंसी, 9 9 दो बार, 3 हिंसी, 3 बार 9 9 9, ऐसा 5 हिंसी 5 मरतबा 9 9 9 9 9, यानी देखिए यहाँ लिखता हूँ मैं, सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद 9 9 9 9 9, यानी 5 times 9 लिखेंगे तो ये सबसे बड़ा 5 हिंसी अदद रहेगा। अब इनकी तफरीक करेंगे मिल जाएगा 1, सिफर में से 9 नहीं जाता तो यहाँ से उधार लेंगे, फिर यहाँ से उधार लेंगे, ये सिस्टमेटिक तरीके से उधार लेते जाएंगे और ये तफरीक होती होती यहाँ बचेगा 0 0 0 0 1, यानी 1 के पहले जो सिफर आते हैं उनकी कोई कीमत नहीं होती, तो यहाँ पे बचेगा 1 और 1 हमारे ऑप्शन में ऑप्शन नंबर 2 है, इसे हम फिल कर लेंगे। तो बच्चों तफरीक के कुछ इस तरह के मिसालें मैंने आपको बताया, और डिस्क्रिप्शन में टेस्ट की लिंक है, उसमें भी इस तरह की मिसालें आपको मिलेंगी, आप उसे ज़रूर हल कीजिए, वीडियो को पूरा देखिए और अच्छी तरीके से सवालों को हल करने की कोशिश कीजिए ताकि कम से कम वक्त में आपके जो सवाल के जवाब आते हैं वो सही आ सके और मल्टीपल टाइम आपको टेस्ट अटेंड ना करना पड़े, क्योंकि कई मरतबा ऐसा होता है हम सिर्फ ट्राई 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 करते हैं कई मरतबा तो हमारा जॉब सही आता है, लेकिन स्कॉलरशिप के एग्जाम में हमें सिर्फ एक क्वेश्चन के लिए एक ही दायरा भरना है, आप वहाँ पर ट्राई नहीं कर सकते, इसलिए यही कोशिश कीजिए कि आप यहाँ भी एक मरतबा ही ट्राई करके सही जॉब तक पहुँच सके। मिलते हैं इंशाल्लाह अगले वीडियो में, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।